नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप लोगों का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन भर व्यक्ति कुछ कर्मों को करता है लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाता है। वो कर्म क्या है, वो चीज़ें क्या हैं, मैं आज आपको वो बताने वाला हूं। दोस्तों, मनुष्य अपने जीवन में सुख की प्राप्ति के लिए अनेक चीज़ों की तलाश करता है, उसके पीछे भागता है और एक बेहतर जीवन के लिए कोशिश करता है। इसमें धन दौलत, ऐश्वर्य, सम्मान, शारीरिक व मानसिक सुख समेत कई चीज़ों को सम्मिलित हैं। लेकिन दोस्तों, जीवन में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिससे मनुष्य जीवन भर असंतुष्ट रहता है। चाणक्य ने अपने श्लोकों में इसका वर्णन किया है कि दोस्तों, अपने जीवन में सुख की प्राप्ति के लिए अनेक चीज़ों की तलाश करते हैं, उसके पीछे भागते हैं और एक बेहतर जीवन के लिए उन्हें जीने की भी कोशिश करते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक में कहा है कि धनेषु जीवितव्येषु स्त्रीषु भोजन वृत्तेषु अतृप्ता मानवा सर्वे आता याशंति यान्ति च। दोस्तों, इस श्लोक के मुताबिक आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य कितना भी धन क्यों न कमा ले, उसे और ज़्यादा की लालसा लगी रहती है। जीवन भर उसकी यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्राप्त हो जाए। ऐसे व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं रहते और कई बार वो और ज़्यादा पाने की चाहत में गलत राह को चुन लेते हैं। ऐसे में पैसे की लालसा उनके जीवन को नष्ट कर देती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के आयु का जिक्र भी करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति जिसने जन्म लिया है वो कभी मरना नहीं चाहता है। ऐसे में वो आयु को भी लेकर संतुष्ट नहीं हो पाता है। दोस्तों, श्लोक के अंत में चाणक्य के स्त्री और भोजन का भी जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य इनसे कभी संतुष्ट नहीं होता है। जरूरत के अनुसार चाहत पूरी होने के बाद भी मनुष्य को इनकी लालसा रहती है। ज़्यादातर मामलों में इन दोनों के मामले में असंतुष्ट मनुष्य बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, चाणक्य के मुताबिक धन, आयु, स्त्री और भोजन को लेकर मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। व्यक्ति को ये जितनी भी मिल जाएं अपर्याप्त ही रहती हैं। इन पर काबू पा लेने वाले जो भी व्यक्ति हैं वो सुख को प्राप्त करते हैं और इनको आगे हार जाने वाला मनुष्य अपने जीवन पर्यंत दुखी रहता है और उस मनुष्य का जीवन अंत में नष्ट हो जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगे। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।